सरंगी एक इतना यानी जिसको पुराने ज़माने में सौरंगी कहा जाता था कि 100 रंग हैं उसके अंदर, और इसीलिए हर सरंगी प्लेयर का रंग अलग है, उसकी खुशबू अलग है, उसका अप्रोच अलग है। और यही हमारे मौसीकी की खूबी है कि कोई एक जैसा नहीं है, आइडेंटिकल नहीं मिल सकता, दूसरा साबिर खान साहब पैदा नहीं होगा। तो जो एक कलाकार की जो खुशबू है, जो एक रंग है, वो जब चला जाता है तो फिर वो दूसरा वैसा नहीं होता, उससे अच्छा हो उससे कम हो और एक अलग सूरत पैदा हो सकती है। तो सरंगी जैसे साज, उसकी हम लोग कलाकार लोग समझते हैं कि उसके बजाने का ढंग कितना मुश्किल है। जैसा सरोद है, हम लोगों का भी नाखून से तार को दबाते हैं, और सरंगी में भी नाखून को साइड से बजाया जाता है, उसमें फ्लैश कटती है, उसमें बहुत कुछ तकलीफ होती है। और फिर बो को साधना, जिसको गज़ कहते हैं, ये गज़ बहुत उसमें जिसको सही तालीम है, और ऐसा खुदा के करम से ऐसी ऐसी इनकी अच्छी हमने सरंगी सुरीली सुनी है। और हर गवैया इनको मांगता था, इनका हर वक्त ये साबरी खां साहब की संगत हमें ज़रूर चाहिए। उस्ताद साबरी खां का जन्म उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर मुरादाबाद में सन 1927 को हुआ। बचपन से ही उस्ताद साबरी खां साहब ने अपने पिता उस्ताद छज्जू खां, दादा उस्ताद हाजी मोहम्मद खां और उस्ताद लड्डन खां की शागिर्दी में संगीत की शिक्षा लेनी आरंभ कर दी थी। शुरू का जादुई माहौल उस्ताद साबरी खां को अपने परिवार से विरासत में प्राप्त हुआ। सन 1943 में आकाशवाणी में नौकरी प्राप्त की। उस्ताद साबरी खां ने विदेशों में सारंगी को प्रसिद्धि दिलाने के लिए अनेक यात्राएं की। खां साहब की पहली विदेश यात्रा सन 1954 में भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की थी। विदेशों में सारंगी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते अमेरिका की प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था सीटल वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने अपने छात्रों को सारंगी की बारीकियों के गौर सिखाने के लिए उस्ताद साबरी खां को विशेष आमंत्रित प्रोफेसर के तौर पर अमेरिका आने का न्योता दिया। अमेरिकी प्रवास के दौरान इस महान सारंगी वादक ने अपने अपार ज्ञान को पूरी दुनिया में सारंगी का प्रसार किया। Ah!
के भारतवर्ष के उन मुश्किल और यूनिक एक वाद्य में से है सारंगी, जो अब बहुत कम लोग जो है वो इसको बजाते हैं या बजाने की और सीखने की बहुत कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी सिर्फ चंद को है। उसमें से एक नाम सारंगी बजाने वालों में से एक खास तौर पर नाम उस्ताद साबरी खान साहब हैं, जिन्होंने न सिर्फ इस दौर के सन 1950 से लेकर बल्कि इससे पहले भी और अब तक बड़े बड़े महान कलाकारों के साथ, बड़े बड़े महान गुनियों के साथ, बहुत बड़े बड़े यानी कि जो है वो महान जिनका के यानी कि जो है अगर मैं फहरिस्त गिनवाऊं तो उस समय में वो फहरिस्त और नाम नहीं आ पाएंगे, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब और यानी कि जो है मौजूदा दौर के इस वक्त के यानी खास तौर से पंडित जसराज जी और भीमसेन जी और इन गायकों के साथ जो है सारंगी बजाई है और उन्होंने बहुत नाम किया है। खास तौर पर एक मुश्किल तरीन साजों में से एक ये साज खास तौर पर गले के लिए इतना करीब है और इतना मुश्किल भी है कि जिसका बयान करना इस महदूद और कम वक्त में निहायत मुश्किल और नामुमकिन है। देखिए खास तौर पर जो है वो एक बड़ा मुश्किल काम ये है कि गाने वाला जो उसी वक्त सोच रहा है, जो गाने वाला उसी वक्त यानी कि जो है वो तान कह रहा है, उसको उसी वक्त अडॉप्ट करना, उसको उसी वक्त जो है कहना बहुत ही एक मुश्किल काम है। तो सारंगी एक ऐसा साज है जो गले से निहायत ही नजदीक है और बहुत ही यानी कम से कम ये जो है उसमें इतनी बड़ी फैसिलिटीज भी हैं और इतनी गुंजाइश भी हैं कि उसमें गले का काम करना उसी वक्त बहुत मुश्किल है। इसकी मुश्किल तरीन एक मिसाल यानी कि ये है कि राग भी गवैये का, ताल भी गवैये का, तान भी गवैये की और सोच भी और फिक्र भी गवैये की है, लेकिन उसी वक्त बैठकर जो है स्टेज पर यानी क्योंकि मुलाकात तो स्टेज पर होनी है, वहीं पर बैठकर उसका साथ देना ये निहायत मुश्किल है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं वो उसी वक्त वैसे ही उसकी नकल करना निहायत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल तरीन साजों में से एक ये है सौरंगी। इसके 100 रंग हैं और साबरी खान साहब ने इन रंगों को जिस खूबसूरत के साथ, उन गाने वालों के साथ और खास तौर से जो है वो अलग भी परफॉर्मेंस दिए हैं, उनको उन्होंने जो खूबी और खास तौर पर जो इन्हें बयान की है और खास तौर पर जो परफॉर्म की है और खास तौर पर जो उन्होंने किया है उसमें वो एक यूनिक और एक अकेले हैं। इसलिए उस्ताद साबरी खान साहब का एक बहुत बड़ा योगदान है। उस्ताद साबरी खान साहब सारंगी नवाज, यानी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मुल्क के बहुत ही बेहतरीन सारंगी नवाज़ों में से हैं और बड़े ही हुनरमंद इंसान हैं।
बड़े हुनरमंद फनकार है, और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि फन के साथ कलाकार के लिए बेहतरीन इंसान यानी भद्र इंसान भी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों कि म्यूजिक इज कैरेक्टर नॉट करप्शन। इंसान का जो कैरेक्टर होता है वही फन में रिफ्लेक्ट करता है। खान साहब ने हिंदुस्तान के किसी भी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे फनकार के साथ हर शख्स के साथ जो है उन्होंने बहुत ही खूबियों से के साथ जो है संगत की है, तो संगत भी जो है एक बहुत बड़ी खूबी है फनकार के लिए ख़ासतौर से, क्योंकि ये पिछले दौर से चला आ रहा है, ये हारमोनियम वगैरह का तो आज दौर शुरू हुआ है, वरना फनकारों के साथ सारंगी नवाज और वो भी बेहतरीन, क्योंकि सारंगी नवाजों को भी अपने आप को उन्हीं के मुताबिक बनाना होता था कि जो फनकार की जो हैसियत होती थी। लिहाजा जाहिर बात है, तो अब इन बातों को मैं समझता हूँ कि लोग खुद अपने सामने रखकर किसी भी फनकार का किसी भी कलाकार का अंदाज़ा लगाएं कि उसकी ज़िंदगी की क्या कमाई है। क्योंकि और एक बात और आप चर्च करूँ, बगैर गुरु के कोई इल्म हासिल होता नहीं है, और फ़न अदब खुद अपना एक परिचय है जो अपने मुंह से बोलता है कि मैं गुरु वाला हूँ, मैं उस्तादों वाला हूँ, समझे सर। तो यही मैं अर्ज़ करूँगा कि खान साहब की इंसानियत भी इंसानियत के साथ वो एक बहुत बेहतर फनकार है, और मैं समझता हूँ लोगों को यानी ये उस जैल के लोग हैं, ये उस जैल के फनकार हैं कि मैं समझता हूँ मौजूदा मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ हमारे आज के नौजवानों को कि ऐसे फनकार आइंदा नहीं मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह वाकई में कुल्ले फ़ानी, ये दुनिया फ़ानी है, हम मिट्टी लोग में बैठे हैं, चाहे हम बार बार दुनिया में आए चाहे, तो ये तो एक अलग बात है, ये तो एक नज़रियात की और पेंटेव्यू की बात है, क्योंकि दुनिया में मैं समझता हूँ एक ही धर्म ऐसा है हिंदू धर्म की जो ट्रांस माइग्रेशन को मानता है, आवागमन को, बाकी ये दुनिया जो है आनी जानी है, चाहे हम बार बार आए, लेकिन यही होता है कि मर मर के जीते हैं हम और जी जी के मरते हैं, एक बात अलग है। लेकिन फनकार बहुत मुश्किल से पैदा होता है फनकार। मेरी अपनी खुद की भी एक राय है इस सिलसिले में कि फनकार कुछ वो ऊपर से बनकर आता है, इंसान को सीखना पड़ता है, बगैर सीखे कुछ नहीं आता, लेकिन कुछ अलग से कुछ खूबियाँ कुछ किसी भी फनकार में या अदब क्या नाम है आपके कलाकार में होती हैं, वो जाहिर बात है कि वो सीखे से नहीं आती जनाब, वो ईश्वर आशीर्वाद होता है कुछ उन फनकारों को ख़ास तौर पर कि जो फनकारों में भी कुछ अलग अपनी निशानी और अपनी पहचान रखते हैं। तो जाहिर बात है मैं मेरी खास साहब साबरी खान साहब के सिलसिले में बहुत बेहतर राय है, वो अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक बहुत हुनरमंद बड़े तजर्बेकार फनकार हैं। मैं समझता हूँ कि आज के नौजवानों को उनसे जितनी भी ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करें बहुत बेहतर है। संगीत के क्षेत्र में सारंगी को नई बुलंदियों पर पहुंचाने वाले उस्ताद साबरी खान को अपने इस बहुमूल्य योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों और उपाधियों से विभूषित किया गया। 1975 में खान साहब को साहित्य कला अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। उस्ताद साबरी खान के गृह राज्य उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उनकी विलक्षण प्रतिभा का सम्मान करते हुए सन 1981 में राज्य सरकार का विशेष पुरस्कार प्रदान किया। सारंगी को उसके सही मुकाम पर पहुंचाने वाले संगीत के इस महान जादूगर को सन 1992 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर उस्ताद साबरी खान की प्रतिष्ठा को चार चांद लगा दिए। Bye.
पहले की बात है जब सारंगी को कम लिया जा रहा था स्टेज पर संगत के साज के रूप में, लेकिन उसको जिंदा रखने में, उसको कंटिन्यू करने में, उसको आगे बढ़ाने में खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और उस पीरियड से वो निकले और इस साज को मतलब कई जगहों पर पहुंचाया। मैंने उनको पहली बार 60s में सुना था और ये 60s में जब वो अमेरिका के दौरे पर गए थे रविशंकर जी के साथ, तो उस वक्त मैं पहली बार उनको मैंने सुना और वो काफ़ी बजाए और वहाँ लोगों ने उनको इतना पसंद किया और मतलब और भी इतने सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ग्रुप में थे, जैसे शिव जी थे, हरी जी थे और खान साहब थे और मेरे ख्याल से दो तीन और का सत्यदेव पवार जी वगैरह सारे ही थे, लेकिन खान साहब क्योंकि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे थे कि जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। सारंगी को सुर में बजाना ये बहुत बड़ी बात है ये, और उन्होंने अपने बेटे को सिखाया और आगे बढ़ाया इस कला को, इस परंपरा को। मैं ये कहूँगा गुरु वो होता है जो सिर्फ सिखाता ही नहीं बल्कि आगे देखने की एक जो कल्पना है, एक विजन है, वो अपने शिष्य में पैदा करता है। तो वो जो कल्पना है, वो एक विजन, जो आगे देखने की सोच की जो एक एबिलिटी है, वो उन्होंने अपने बच्चों में पैदा की, अपने बच्चों में डाली कि आगे देखो, आगे सोचो, ये तो मैंने तुम्हें दिया, इसको क्या करोगे। तो
तो ये जो तरीका, ये सोच, ये सिखाई जो है, ये इसको जारी रखते हुए, इसको कायम रखते हुए उन्होंने सारंगी को एक बहुत इम्पॉर्टेंट मकाम हमारी क्लासिकल म्यूजिक में, आजकल जो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, संतूर है, फ्लूट का एक नया अंदाज बना, मोहन वीणा बनी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन सारंगी जैसा साज मेरे ख्याल से कम ही बना है। एक ऐसा साज जो कोई लिमिट नहीं, जो गा सकता है, जो गवैया गाता है वो ही इंस्ट्रूमेंट में बजता है, वो सितार में नहीं हो सकता, वो संतूर में नहीं हो सकता, लेकिन सारंगी में हो सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि इस साज को ज़िंदा रखा जाए, इस कला को ज़िंदा रखा जाए, और वो काम साबरी खान साहब कर रहे हैं, और इस वजह से हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, उनके ममनून हैं कि उन्होंने हम में कमाल जैसे, ग़ुलाम सरवर जैसे बच्चे लड़के दिए हैं, और फार्म जो संतूर सीख रहे हैं, सबको अपने अलग अलग जगहों पर उन्होंने लगाया हुआ है, और मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं कि उनका भी वैसा ही नाम होगा, वैसे ही इज्जत बनेगी जो कि खान साहब की है। मैं खान साहब का सबसे छोटा लड़का हूं और घर में म्यूज़िक सीखा अब्बा जी से ही, और म्यूज़िक के साथ एक चीज़ और रही, क्योंकि हम लोग म्यूज़िकल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो म्यूज़िक तो सीखना ही है, खून में भी है हमारे, लेकिन उसके साथ हमारे वालिद ने हमें तालीम का भी बहुत, जो एजुकेशन जिसे, एजुकेशन का भी बहुत ख्याल किया। एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो परफॉर्म भी कर रहा है और साथ में बच्चे जिसके ख्याल रखे अपने फैमिली में, अपने बच्चों का इतना ख्याल रखे और पता हो कि कौन क्या कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। इतनी हमारी फैमिली बड़ी थी, लेकिन वालिद साहब ने सब पे इंडिविजुअल लुक आफ्टर किया। म्यूज़िक तो सिखाए है हमें, लेकिन साथ में एजुकेशन भी दी हमें सबको, वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका, हमारे लिए तो है क्योंकि हम उनकी औलाद हैं और उनसे बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन दुनियादारी भी उन्होंने सिखाई कि पढ़ाई करने के बाद और आपकी जो ब्रॉड माइंड हो जाता है, रोशन का दिमाग हो जाता है आपका, और कामयाबी के लिए वो सब चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो सब हमें सिखाई हैं। हमारा, हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमें शुक्र अदा कर सकें या कुछ कर सकें, क्योंकि एक वालिद का और उस्ताद भी, हमारे वालिद भी हैं, सारी चीज़ें मुहैया कराना अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स में, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए दुनिया में ट्रैवल भी करता है, कभी दो दो महीने नहीं होता है, एक महीने नहीं होता, हम छोटे थे, लेकिन जब वापस आए तो लुक आफ्टर करना, सबसे मालूम करना कौन क्या कर रहा है, वो सब चीज़ जो याद रहती है बड़े होने के बाद कि आपके वालिद ने आपको क्या क्या चीज़ें लुक आफ्टर की, और अभी भी कोई परेशानी हो, कोई आपको ऐसी चीज़ हो जो आप सॉल्व करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की, आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। यही नहीं कि सिर्फ आपने म्यूज़िक सीख लिया तो आप बन गए अपने उस्ताद के बच्चे, या आपको दुनियादारी समझ में आ गई तो आप अपने वालिद के कहने लगे, बच्चे कहने लगे, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो ज़िंदगी में बहुत महत्व रखती हैं, वो सब चीज़ें भी हमने उन्हीं से सीखी और सीख रहे हैं अभी भी। म्यूजिशियन के रूप में तो उनको सारी दुनिया ही जानती है कि वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन एज अ फादर भी वो बहुत ही अच्छे फादर साबित हुए हैं। जब जब हम सभी लोगों को उनकी ज़रूरत होती थी, ही इज़ ऑलवेज देयर, हमारे बचपन में या आज भी जब कभी हमको उनकी ज़रूरत होती है, कुछ बात, कुछ भी डिस्कस करना होता है उनसे, वो हमें अच्छी सलाह देते हैं कि ऐसा करो, पढ़ाई के मामले में या जिंदगी में कभी भी जो भी कुछ टेंशन हो, कुछ प्रॉब्लम हो, हम हमेशा उन्हीं से डिस्कस करते हैं। एक बात जो ख़ास मेरे वालिद साहब के अंदर है वो ये कि काम पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं और काम को ज़्यादा सराहते हैं कि काम अच्छा होगा तो लोग अपने आप आपको काम से मनवाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। और बचपन से जो तालीम जिस तरह से दी, जैसे घराने में तालीम होती है, पहले हमने राग भैरव में एक बंदिश सीखी, उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप क्षेत्र में गुरु शिष्य परंपरा की अहम भूमिका है। जिस गुरु शिष्य परंपरा से निकल उस्ताद साबरी खां संगीत के आकाश पर सूरज की तरह चमके,
आज भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खान साहब अपने शिष्यों को अपनी चमक से मांझकर उनकी कला में निखार लाने का प्रयास कर रहे हैं। सलोने से मोरा मन लागा, मोरा मन लागा, मोरा मन लागा, दिन लागा, दिन नाही चैन, रात नाही निंदिया, दिन नाही चैन, रात नाही निंदिया, मनवा है जागा, मनवा है जागा, मोरा मन लागा। श्रोताओं के दिलों के तारों में सारंगी के सुरों को पिरोने वाले संगीत की राह पर चल रहे इस राहगीर का ये सफर अभी थमा नहीं है। संगीत का सफर केवल सफर नहीं, एक साधना है, इंसान को भगवान से मिलाने वाली साधना, एक ऐसी साधना जिसे उस्ताद साबरी खान सच्ची लगन और अटूट विश्वास के साथ किए चले जा रहे हैं।